हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिंह। तो फ्रेंड, आज की न्यू वीडियो आप सभी लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सेल्समैन नोजल को बार बार दबाता है, बंद करता है, तो क्या आपका पेट्रोल कम आता है? आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि नोजल को बार बार दबाने पर पेट्रोल कम आता है। तो चलिए फ्रेंड, इसी का हम आज लाइव देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज आपको मैं 5 लीटर पेट्रोल निकाल के दिखाऊंगा, वो भी 5 लीटर के मेजर से नाप करके दिखाऊंगा। 50 बार मैं नोजल को बंद करूंगा, चालू करूंगा, तो क्या एक भी बूंद आपका पेट्रोल कम नहीं होगा? ये सारी अफवाहें होती हैं। चलिए अभी मैं आपको आपके सामने लाइव करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये है 5 लीटर का मेजर। इससे हम 5 लीटर की डीजल की टेस्टिंग करने वाले हैं और इसमें आपको 50 बार झटके मार के दिखाएंगे, आपका एक भी बूंद डीजल कम नहीं होगा। देखिए, देखिए कई झटके लगा रहे हैं, आपका एक भी बूंद डीजल कम होने वाला नहीं है। देखिए, देखिए फ्रेंड कितनी बार झटके लगा चुके हैं और आपका एक भी बूंद पेट्रोल डीजल कम होने वाला नहीं है। ये मेजर है जो 5 लीटर का है, जो कि नापतौल विभाग द्वारा सर्टिफाई होता है। इस पर नापतौल विभाग की सील लगाई जाती है। ये डीजल आपका हॉल तक आना चाहिए, जो इसका हॉल होता है वहाँ से निकलना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, और झटके लगाएंगे तो देखिए फ्रेंड, ये आपका 5 लीटर फिक्स आ गया और बाहर भी निकल चुका है। तो ये सारी अफवाहें होती हैं कि झटके मारने से पेट्रोल कम आता है या डीजल कम आता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपका बिल्कुल पूरा आया, बल्कि हॉल से बाहर भी निकल चुका है। 50 बार भी झटके लगा दो ना, फिर भी आपका एक बूंद पेट्रोल डीजल कम नहीं होता। ये सारी अफवाहें होती हैं, इन अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें। देखिए ये पूरा का पूरा 5 लीटर फिक्स निकला है और कई झटके मारने के बाद भी एक बूंद भी कम नहीं होता है। ओके फ्रेंड, देखिए डीजल बाहर भी निकल गया है। अभी मैं आपको यहाँ साइड करके दिखाइए। देखिए साइड में, देखिए यहाँ मेजर से बाहर निकल गया है। देखिए नीचे भी गिर गया है। देखिए तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब